बोलो। हाँ एक मुरली में बोला गया है, मैं सच बता रही कि शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, तो क्या आदि में प्रजापिता का पाठ था और फिर अंत में होगा, इसलिए कहा गया था? नहीं, बैल पर सवारी हमेशा होती है क्या? है नहीं, नहीं होती है। तो यहाँ सवार करने वाली होने वाली आत्माएं कौन कौन है जिनकी सवारी होने से नाम शंकर दिया गया है? शंकर माने मिक्स। कितनी आत्माएं हैं? तीन आत्माएं। तो सदैव सवार रहती है क्या? नहीं। तो फिर सदैव शंकर है? जब वो आत्माएं सवार नहीं है, सिर्फ उसकी अपनी ही आत्मा है, तो प्रजापिता है? नहीं तो दोनों आत्माएं सवार हो गई तो शंकर है। शास्त्रों में जैसा नाम वैसा काम दिया है। प्रजापिता नाम है तो प्रजा कितनी है संसार में? 500-700 करोड़ प्रजा है मनुष्यों की। तो 500-700 करोड़ प्रजा का पिता प्रजापिता हुआ, उसको अंग्रेजी में एडम कहते हैं, मुसलमानों में आदम कहते हैं। वो शंकर को नहीं मानते। कौन? मुसलमान और क्रिश्चियंस। क्यों नहीं मानते? आदम को मानेंगे, एडम को मानेंगे, शंकर को नहीं मानते, क्योंकि उनकी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं है। और बोलो। शंकर माने मिक्स पार्ट है ना? हाँ जी। हाई कोर्ट पे मतलब शंकर की यादगार में लिंग रखते हैं, लिंग में तीन बिंदियां रखते हैं, तो चौथी बिंदी तीन लकीरें हैं ना, और चौथी बिंदी, तो बिंदी कौन है? चौथी आपकी कौन? तीन जो लकीरें रखते हैं वो तीन लकीरों के बीच में जो स्थान आते हैं वो कितने हैं? दो। तो दो ही हैं बैठने वाले। और हाँ, बुद्धियोग को तीन चार आयामों से गुजरना पड़ता है। पहला आयाम हुआ संक्षेत्र तक, दूसरा आयाम हुआ त्रेतायुगी शूटिंग, तीसरा आयाम हुआ द्वापर युगी शूटिंग, और चौथा आयाम हुआ कलयुगी शूटिंग। और बोलो बोलो बाबा, बुद्धियों में अक्सर आता है मैं देह अंत हूँ। बेअंत, मैं बेअंत हूँ। तुम बच्चे अंत पाते हो कि नहीं? हाँ वो तो है, लेकिन तुम बच्चे मेरा अंत पाते हो या नहीं? बेअंत हूँ ये कहते हैं शास्त्रवादी लोग, पुराने ऋषि मुनि लोग कहते थे। क्या है? बेअंत है। हम बच्चे तो नहीं कहते बेअंत है, हमें बाप ने सिखाया ही नहीं कि परमात्मा बाप बेअंत है। वो तो आकर के हमको अपना पूरा अंत देते हैं। और बाबा ये प्लैटिनम क्या है बाबा? अभी तो प्लैटिनम भी एक मेटल ना, कोई धातु है, बहुत कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती। और ठंड में ऐसा पॉइंट आया है, ईश्वर का अंश चाहे तो प्राप्त कर सकते हो,
परंतु उसकी जो रचना है रचना का आपके पालना मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि पाया ही नहीं जा सकता। माना कोई कोई है जो रचना का अंत पाए लेते हैं, और जब रचना का अंत पाए लेते हैं तो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। माया और प्रकृति ये रचना है या रचयिता है? रचना। क्या है? रचना। अरे उसे बोलने दो। माया और प्रकृति ये क्या है? रचना है। 700 करोड़ की रचना है या कोई स्पेशल आत्माएं हैं जिनकी रचना है? है? नहीं, माया और प्रकृति अगर कहें 700 करोड़ की रचना है तो 700 करोड़ तो सृष्टि के आदि में आते ही नहीं, और माया और प्रकृति तो सृष्टि के आदि से ही है, तो वो आत्माएं कौन है और कितनी है जो अपने जीवन में माया और प्रकृति दोनों की रचना रचती है? तत्व प्रधान प्रकृति की भी रचना रच लेते हैं याद की पावर से, नई सृष्टि शुरू हो जाती है। और जब कलयुग आता है तो माया का भी विशाल भंडार हो जाता है। जिनके लिए बोला है घड़ी में नीचे और घड़ी में ऊपर, अभी अभी नीचे और अभी अभी एकदम ऊपर, कितने हैं वो? 8 है। उन्होंने माया का भी अंत पाया है और प्रकृति का भी अंत पाया, वो है ही प्रकृतिपति, इसलिए धर्मराज की सजाएं नहीं खाते। और आप के नीचे, बाप के नीचे और परिवार के नीचे कहा? माना बाप के नीचे माना मैं आत्मा हूँ या मैं इस ऋषि रूपी ड्रामा पर मेरा ये पार्ट है? नहीं, इसी बात पर निश्चय है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। और गुल्ली का पार्ट ऐसा भी है ना जो अपने पार्ट में रह जाता है उसको बेवकूफ पार्ट में? हाँ, बेवकूफ है तो जो आत्मा की स्थिति में रहेगा तो उसका पार्ट भी पता चलता है। आत्मा की स्थिति में रहता कौन है? कोई है? कोई अभी वर्तमान में है प्रैक्टिकल में जो 24 घंटे आत्मा की स्थिति में रहता हो? जब है ही नहीं तो अपनी आत्मा के 84 जन्मों को पार्ट को जानता भी नहीं होगा। जब 24 घंटे आत्मा की स्थिति में कोई रहने वाला होगा तो वो अपनी आत्मा के 84 जन्मों की पार्ट को भी जानने वाला होगा। और बाबा क्या ज्ञान लेके भी कोई तो जो जो है करना बाबा है? क्या क्या बोला? बाबा का ज्ञान लेकर भी कोई तो जो जो बोलते ना उसको क्या करना बाबा? जो जो से बोलते हैं तो उसको क्या करना बाबा? ज्ञान लेकर किसी को सुनाई नहीं पड़ता होगा, हमारे ऐसों को तो बोलते हैं, जोर जोर से बोलना पड़े ना फिर। और मन बुद्धि संस्कार को आत्मा कहा जाते हैं, पशुपति कीड़े मकोड़े में मन बुद्धि नहीं है ये उसका आत्मा नहीं होता क्या? आत्मा तो है लेकिन मन बुद्धि की जो परसेंटेज है वो उतनी नहीं है जितनी मनुष्य में है। कोई कोई तो मनुष्य भी ऐसे होते हैं कि जानवरों से भी बदतर होते हैं। हाथी में कितनी अकल होती है तो क्या कहेंगे उसमें मन बुद्धि नहीं है? है? पशु पक्षी जो है
आंधी आना होती है, बवंडर आना होता है, तो दो चार घंटे पहले से ही उनको पता लगने लगता है। और मनुष्य को, मनुष्य को पता नहीं चलता। आत्मा को देख सकते हो भाई, नाम सुनते हो? प्रैक्टिस करें तो देख सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इन आँखों से बीके हम तो बोलते हैं कि हमें दिखती है आत्मा, उन्हें तो परमात्मा भी देखता है, परंतु प्रैक्टिकल में नहीं देखता है। हाँ हाँ, और बेसिक में क्या कहते हैं बाबा, उसमें ब्रह्मा बाबा ने उसका परिवार में कहा आदमी आत्मा निकलने के समय ब्रह्मा बाबा ने आत्मा को देखा, रिकॉर्ड किया है, वो सच है या झूठ है? अब ब्रह्मा बाबा ने तो कहते हैं परमात्मा को भी देखा। ज्योतिर्लिंग का साक्षात्कार किया, तो साक्षात्कार करना कोई देखना थोड़े ही है, वो तो ऐसे है जैसे स्वप्न में कोई देखता है। और बाबा वाले बोलते हैं हमको आत्मा दिखते हैं और आत्मा भी हम हमसे बात करते हैं, बोलते बात कैसे करते हैं जब उन मुख है ही नहीं? तो बोलते हैं बात करने के लिए तो मुख चाहिए ना, बोलते आत्मा हमसे बात करते हैं। अगर आत्मा बात करती है तो परमात्मा बात कर सकता है कि नहीं बिना मुख के? तो कुछ पूछना है तो आप बताइए ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से। अगर आत्मा बात कर सकती है बिना मुख के तो परमात्मा परमपिता बात कर सकता है कि नहीं? तो बोलते ना। अरे बताओ तो, बोले बाबा। तो आप उनकी बात सुनते क्यों? आप पहले ही प्रश्न करिए ना। ऐसा बोले फिर आत्मा आत्मा आके और एक के शरीर में आते हैं, वो और सबको पूछते रहते हैं। हाँ, अपन कुछ पूछे तो वो बोल सकते हो। हाँ, तो भूत प्रेत आत्माओं की बात हो गई। हाँ, लोग जो ये स्वप्न में जाने की बात बोलते हैं वो क्या? आप जो स्वप्न में जाने की बात बोलते हैं वो क्या है? जैसे आप स्वप्न में जाने की बात बोलते हैं वो ट्रांस में जाने की बात बोलते हैं? भावना का भाड़ा दे। हाँ जी, तो निर्माण शाम का साधी कोई भी हो, आइस के पानी से लगाओ तो फिर बाद में इंस्ट्रक्शन आएंगे नहीं? हाँ हाँ, वो सारी बात है। और बाबा, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए तो पहले वो वाराणसी गए, वाराणसी गए तो वहाँ गुरु थे, तो वहाँ से बीज पड़ा बोलते तो ज्ञान नहीं था, वहाँ से ही बीज निकला बोलते बाबा। कौन बोलते? कौन सी मुरली में बोला वाराणसी से बीज पड़ा? बीज निकलेंगे वहाँ से। अरे ऐसा तो कोई मुरली में नहीं बोला कि वाराणसी से बीज निकलेंगे। और पूरी बंगाल से पकड़ा? हाँ, मैंने जिस रथ में पहले पहले प्रवेश करते हैं उस रथ की बात बताई, उसको पूरी बंगाल से पकड़ा, मैंने जो भागीदार का रथ था वो पूरी बंगाल में था, वहां से पकड़ा। किसने पकड़ा? ब्रह्मा बाबा ने पकड़ा। और बाबा, जितनी भी आदमी राम वाली आत्मा दोनों माता के पहले शरीर छोड़ा, और एक बात है आदि तो आदमी भी कैसे होगा? जितनी भी आदमी राम वाली आत्मा वो स्थूल शरीर छोड़ा, अभी जीते जी शरीर छोड़ेंगे दोनों माताओं से पहले। कुछ अंतर होगा या नहीं होगा आदि में और अंत में? ये अंतर होगा, वो हद में शरीर छोड़ा, ये बेहद में शरीर छोड़ेंगे। और हम समझते थे कि अच्छे नंबर था,
मम्मा और बाबा ओम राधे और दादा लेखराज हाँ मम्मा बाबा उन आत्माओं को ऊंचा पद पाना वाला समझते थे पहले, बाद में तो सिर्फ हम कह के बैठ गए तो हमसे तो ऊंचा कोई है ही नहीं। बाबा वो ही बच्चे हैं जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, और मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देने वाले कौन होंगे, पहला पत्ता और दूसरा पत्ता राधे, उन दोनों के ऊपर कौन होगा, उनके माता पिता ही होंगे, दूसरा कौन हो सकता है। और मम्मा ने जो पॉइंट निकाला वैसा पॉइंट कोई किसी ने भी नहीं निकाला, मतलब बाप जब ज्ञान का सागर है तो वो पॉइंट बाप बता सकते, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, माताओं को आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट निकाल दिया, उस पॉइंट की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि उसके मुकाबले और किसी पॉइंट की इतनी वैल्यू है ही नहीं। और बाबा शंकर की भाई का प्रश्न है, शंकर की यात्रा में लिंग रखते हैं ना, है मैं तो शंकर पार्वती दोनों की याद में पार्वती जो है वो जलाधारी है उसकी यादगार, लिंग कोई पार्वती की यादगार नहीं है, जलाधारी है स्त्री चोले की यादगार और लिंग है पुरुष चोले की यादगार। ऐसे नहीं कि लिंग स्त्री चोले की भी यादगार है और पुरुष चोले की भी यादगार। और लौकिक दुनिया में यज्ञ करते हैं ना बाबा, हम 5 दिन 7 दिन ऐसा करके पूर्णाहुति करते हैं ना, पूर्णाहुति में सब अर्पित करते हैं ना, चावल बुद्धि जीवस्त्र बेहद में क्या बेहद में पूर्ण आहुति है शंकर की, जो अंतिम आहुति है तो शंकर जो है सारी दुनिया को स्वाहा कराई लेता है, इस दुनिया में कुछ बचता ही नहीं स्वाहा करने के लिए, सब कुछ स्वाहा खेल खलास। और 2018 से लेकर 2036 तक राधे कृष्ण को 20-18 साल के होंगे 2018 तक, ऐसा तो नहीं कोई स्थूल रूप में थोड़ी पैदाइश हो जाएगी 2018 में, हो गए होंगे वो 2000 क्या 20-25 साल के हो गए होंगे, कब हो गए होंगे जाने की बात, कहाँ बोला कौन सी मुरली में बोला, कोर्स में ऐसा कहीं नहीं बताया, मतलब यहाँ सेवक राम कह रहे हैं 20-25 साल के हो गए होंगे, सेवक राम कहाँ आ गए 2018 में, नहीं 2018 से पहले सेवक राम कहाँ से आ गया, सेवक राम तो यज्ञ के आदि में ही शरीर छोड़ दिया। और राधा कृष्ण की बात थोड़ी ही है, और हाँ जी ये बुद्धि और तीसरा नेत्र है और ये दोनों आंखें सब मिलकर के एक ही हो जाएंगे, यथार्थ ही दिखाई पड़ेगा, हाँ जी जो झूठा है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। और
ये देह देखने में नहीं आएगी। क्या देखने में आएगा? आत्मा ही आत्मा देखने में आएगी। ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी क्या है, है? हाँ, कितना भी प्रैक्टिस करते हैं तो देह ही देखने में आती है। हजार भुजाओं के लिए नहीं बोला, वो तो स्पेशल है, जो राजाओं महाराजाओं के आजू बाजू में बैठते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े सहयोगी होते हैं, छोटा मोटा सहयोग नहीं करते हैं, भारी भारी सहयोग करते हैं। तो ये भारी भारी सहयोग करने की शूटिंग कहाँ होगी, हैं? संगम में की होगी, तो वहाँ बड़े बड़े साहूकार बाजू में बैठते हैं, तो उनके लिए नहीं बोला। किनके लिए बोला? जो लास्ट में जाकर के आते हैं माला में, 16,000 में, 15,000 के लिए भी नहीं बोला। किसके लिए बोला? 16,000 के लिए बोला। कि 16,000 की लिस्ट में जो 1,000 मणके हैं और तो थर्ड क्लास हैं, उसमें जाने से तो अच्छा है साहूकार बन जाएं, प्रजा वर्ग में आ जाएं। और ब्रह्मा की जो आधार पूजा है वो माना वो एक अलग है क्या? एक अलग क्या? ब्रह्मा कितने हैं? जैसे कि 8, 108 उसके बाद 16,108 ये आधार पूजा जो है ब्रह्मा की, वो 16,000 में लेकर के 16,000 बनती है या अलग आधार पूजा की? कोई स्पेशल 1,000 भुजाएं हैं, जैसी 16,000 नहीं है, उन 16,000 में स्पेशलिटी है 1,000 भुजाओं की, इसलिए कहते हैं श्री श्री 1,008। ये 1,008 का टाइटल सन्यासी धराते हैं, ये शिव बाबा का टाइटल नहीं है। शिव बाबा का टाइटल श्री श्री 108। शिव के सहयोगी नहीं है, किसके सहयोगी है? 1,000 ब्रह्मा के सहयोगी है। ब्रह्मा दो काय के लिए, ब्रह्मा 5 भी है, सामने तो दो ही आए हैं। अरे माने में जो सामने आता है उसी को मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे? सामने तो आत्मा भी नहीं आती है, शरीर को है ना। अरे शरीर को ही मानेंगे, बाबा ने बताया आत्मा की पहचान शरीर से होता है। शरीर से पहचान तो होती है, लेकिन इतना पहचानने वाला भी तो होना चाहिए। तो जैसे कि प्रजापिता ब्रह्मा, हाँ, तो कोई कोई शरीर देख के पहचान पाएगा कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है? नहीं पहचान सकता। और 84 जमघंट जो 7 धर्म है विधर्मी, हाँ, उन 7 विधर्मियों के 12 के 7 ग्रुप कितने हुए? 12×7=84। इन 84 से कनेक्टेड है 84 घंटे वाली देवी। जिनका विनाश करती है, आखिरी संस्कार वाले हैं। और बाबा रावण के 10 किलो होते हैं ना, तो उसमें इसका यादगार 10 धर्म है या
पांच विकार पुरुष के पांच विकार स्त्री के, इसमें से दोनों में से कौन सा करेक्ट है? क्या रावण के दस सिर होते हैं ना, दस सिर में पांच विकार हैं और पांच प्रकृति के तत्व हैं। तो दस धर्म के या। वो भी दस धर्म वाले में भी उनमें भी यही सिफ्त है, क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं भी विकारी बनती हैं, और इतनी ज्यादा विकारी बनती हैं जितने उन असुरों से भी ज्यादा विकारी बन जाती हैं। तो पांच विकार हैं प्रकृति के और पांच विकार हैं माया रावण के। माया रावण के हैं पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये रावण के पांच सिर हो गए, और पांच सिर स्त्री मुख माने प्रकृति, हाँ पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, दोनों करेक्ट है बाबा? नहीं, इसमें दोनों करेक्ट, कौन सा करेक्ट है पूछ रहे बाबा? क्या दोनों हैं कहाँ? पांच विकार हैं और पांच प्रकृति के रूप हैं, दोनों मिलकर के दस हैं, दसों के विकृत रूप बनते हैं, तामसी रूप बनते हैं। और अपनी ओर माने अपनी मानी थी तुम्हारी ओर? रामदेव बाबा, रामदेव बाबा है ना, अपनी तरफ एक्ट करते हैं ना, इसको ऊपर से जो आत्मा आई है उसको पब्लिक अट्रैक्ट नहीं करती, वो करती है ना पब्लिक को अट्रैक्ट, वो कर लेती है। हाँ, ऊपर से जो आने वाली है पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा अट्रैक्ट करती है। वैसे ही वो भाई का प्रश्न पूछने का है, जैसे बाप के घर में जो बच्चा बच्ची करके आता है तब वो अपने और क्यों खींचा नहीं जाता है? जो बाप के घर में जो जन्म लेके आता है, मतलब बच्ची करके आता है, तो उसी प्रकार से अपनी ओर क्यों खींचता है बाप? वो अपने फॉलोअर्स को अपनी ओर नहीं खींचता है, उस आत्मा को जो भी फॉलो करने वाले होंगे उन आत्माओं को वो अपनी ओर नहीं खींच लेता है। जिनको वो ज्ञान सुनाएगा और जो आत्माएं उसके फॉलोअर बनने वाली होंगी उनको दुनिया वाले रोक पाएंगे? नहीं रोक पाते। और जैसे कोई भी आत्मा आती है तो पहले उसका चार अवस्था से गुजरना होता है, तत्व प्रधान अवस्था में होगा उसी समय वो खींच क्यों नहीं पाता? तत्व प्रधान अवस्था में होता है तभी तो खींचता है तत्व प्रधान को, तभी तो शूटिंग होगी उन बच्चों की जो वहाँ पैदा होने वाले होंगे। यहाँ भी पैदाइश होती है तो वहाँ भी, ऐसे थोड़ी कि यहाँ सत्युग में ही सत्व प्रधान अवस्था में पैदाइश होगी, त्रेता में बच्चों की पैदाइश नहीं होगी, वहाँ भी पैदाइश होगी, द्वापर में भी पैदाइश होगी, अवस्थाएं तो चार चलती ही रहती है। सत्व प्रधान स्टेज में कम बच्चे पैदा होंगे या ज्यादा होंगे? तो कम बच्चे पैदा होते हैं, तमो प्रधान स्टेज में ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, बड़ा संसार हो जाएगा। पहले पहले छोटा संसार होता है हर आत्मा का, हर सितारे में एक एक दुनिया है, तो वो सितारे कोई बाहर की दुनिया वाले थोड़े ही है, हम बच्चे ही हैं वो सितारे जिनमें एक एक दुनिया समाई हुई है। और सुख दुख दोनों भी जरूरी है क्या? और क्या, रात और दिन दोनों ही जरूर हैं क्या? हैं? सफेद और काला दोनों जरूरी है क्या? हैं? दोनों चाहिए। क्या सुख दुख दोनों को छोड़ना चाहते क्या?
है न सुख में आना है न दुख में आना, ऐसा चाहिए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, सुख में भी आना पड़े और दुख में भी आना पड़े। ज्यादा सुख भोगेंगे तो ज्यादा दुख भी भोगेंगे। अमृत वेला याद करते हैं तो बिंदु याद आए, बिंदु सामने दिखाई दे तो याद ठीक है, या मुकर्रर रथ में बिंदु की याद करना ठीक है? कौन सी याद करना ठीक है? साकार में निराकार को याद करना सहज है और सिर्फ बिंदु को याद करना कठिन है। इसलिए गीता में भी एक श्लोक आया है, क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां। जो अव्यक्त ज्योतिबिंदु की याद में आकर्षित होते हैं, जिनकी बुद्धि, उनके लिए कठिनाई होती है मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने में कठिनाई से वो उस स्टेज को प्राप्त कर पाते हैं। उनके जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में क्लेश और कलेश अधिक आते हैं, परीक्षाएं ज्यादा आती हैं, और जो साकार उपासी हैं वो सहज सहज चलते रहते हैं। तो कौन सा रास्ता चाहिए? हैं? कलह क्लेश से तो सब डरते हैं। जो गलती हम नहीं करना चाहते हैं वो ही गलती बार बार क्यों हो जाती है? से साबित होता है कि पूर्व जन्मों में आदिपन पड़े हैं वो ही गलतियां करने के, इसलिए यहाँ शूटिंग पीरियड में भी वो ही गलतियां बार बार हो रही है। तो घबराना नहीं चाहिए कि ये तो ठीक होगा ही नहीं, नहीं, जिसका आदि है उसका अंत भी है। बाबा उसमें मुझे कब आएंगे? आप राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभालना है। बार बार गिरते हैं और बार बार संभलना होता है। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। और यहाँ बात आई है अन चाहे गिर जाते हैं, चाहते नहीं हैं, फिर भी गिर जाते हैं। और ये क्या चाहते हैं? गिरना है? तो आप चाहते हैं गिरना या नहीं चाहते हैं? तो फिर क्यों बोल रहे हैं? ओम सो है सकल साम, क्या लिख दिया है? तत्व निरंजन तारक नाम, काशी क्षेत्र है अविनाशी धाम। क्या करना है इसका? कुछ बताया नहीं। कोई ने प्रश्न किया है कि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले हैं, और कन्या माताओं में फिर बोला है कि देवान जास्ती होता है, और फिर कहा जाता है कि ईव ने पहले गंदुम फल खाया। ऐसी विरोधी बातें कैसे हो गई? ईव ने गंदुम फल खाया, लक्ष्मी तो नहीं, नहीं, नहीं खाया। ईव ने खाया या लक्ष्मी ने खाया? ईव ने खाया।
बाकी घूम फिर के औरत पे रख दिया था बाबा है गड़बड़ करने का वो मदार पूरा औरत पे आ गया। तो भाव संस्कार से पुरुष लक्ष्मी है या ईव है, है? ईव है पुरुष, इसलिए उसको ऊपर रख दिया। कोई में देवान ज्यादा हो फिर भी अपने देवान को छुपा ले और विकारों के लिए पहल न करे, वो ज्यादा श्रेष्ठ है या जो थोड़ा देह अभिमान वाला है और उस देवान को छुपाए न सके और पहल करने लगे वो ज्यादा श्रेष्ठ है? ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? हाँ है तो थोड़ा देहवान लेकिन उससे भी नहीं छुपा पाते, तो कमजोर आत्मा हुई या पावरफुल आत्मा हुई? कमजोर आत्मा है इसलिए शक्ति स्वरूप नहीं कहे जाते। तुम हो शिव की शक्तियाँ, महाभारत युद्ध का चित्र दिखाया है बेसिक में, उसमें दो मालाएं दिखाई गई हैं, एक शिव शक्तियों की माला दिखाई गई है, उसमें कन्या माताओं की ही संख्या जास्ती दिखाई है, एक पुरुषों की माला दिखाई गई है, उसमें पुरुष ही पुरुष जास्ती दिखाई है। बाबा किस तरफ खड़े हैं? शक्तियों की तरफ खड़े हैं। तो जो विकारों को कंट्रोल कर सकती हैं, भले देवान ज्यादा है तो भी कंट्रोल कर लेती हैं, इसलिए वो शक्तियां हैं। ईव को मुसलमान ले गए हैं जन्नत में, जन्नत में कहा कि जन्नत में उसने गंदम फल खा लिया, ये संगम की बात नहीं है। संगम युग में तो पुरुष चोला है, स्वभाव संस्कार से पुरुष है या स्त्री है? स्वभाव संस्कार से क्या है? पुरुष है। कोई कोई का कारण या कारण महासंगठन मिस हो जाता है, भल वो रेगुलर क्लास करने और रेगुलर संगठन में क्यों ना आता हो, तो ये भी हिसाब किताब है और इसके लिए कोई पुरुषार्थ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, जो कारण या कारण खत्म हो जाए। कोई भी कारण या कारण खत्म करने के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? अमृत बेले की याद। अमृत बेले की याद से जो चाहे सो कर सकते हैं। बाबा ने बताया कौन बाबा ने कहा तीसरा मन था उसको बाबा ने बताया पार्ट धर्मराज का पार्ट है। क्योंकि बाबा उन जो जिस संगठन में रहती है जिस एडाफिक में रहती है संगठन को उन्होंने कितने परसेंट में सुधारा? जैसा कि बाबा ने बोला घर का सुधार किस पार्ट का सुधार, तो उस संगठन में कितने परसेंट में सुधारा? पहले तो पहला वाला सुधारेगा या तीसरा वाला सुधारेगा? पहले कौन सुधारेगा? हाँ तो पहले वाले ने कितना सुधारा है? तो बाबा पहले वाला तो धर्मराज नहीं बन रहा है। भले नहीं बन रहा है, तो उनको बन रहा है उनमें तो जो धर्मराज बनता है वो चांडाल कहा जाता है।
चंडाल की ज्यादा पावर होती है या चंडाल को पावर देने वाला कोई और होता है? इसलिए अपने अपने नंबर पर सुधार होगा। बाबा वो संगठन को कितने परसेंटेज में सुधारा? परसेंटेज तो बाद में सबका क्लियर होगा कि अभी रिजल्ट निकल रहे हैं। तो छोटी रूप में तो पहले सुधार होना चाहिए ना, छोटे रूप में पता चलेगा ना बड़े रूप में पता चलेगा। सबका इकट्ठा फाइनल पेपर होगा और फाइनल पेपर में सबका इकट्ठा पता चलेगा। बाबा और उसमें 108 माला में 108 रुद्रमाला के मन के और 108 विजय माला के मन के, तो 108 एक वाटा का 108 जोड़िया, तो वो समझ में नहीं आया क्या? क्यों नहीं समझ में आया? जोड़ियों के संस्कार मिलकर एक हो जाएंगे या नहीं? तो एक ही मन का हो गया ना। जैसे बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीज तो होते हैं सिंगल और एक बीज होते हैं डबल। जैसे दालें दो दल वाली होती हैं और बाजरा और मक्का एक दल वाला होता है। तो जो विधर्मी आत्माएं हैं वो एक दल वाली है, प्रवृत्ति मार्ग वाली नहीं है, और देवी देवता सनातन धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाबा अभी जो बताया है जो धर्मराज बनता है वो चांडाल भी बनता है, तो बाबा चांडाल तो सारे ही बनते हैं जब प्रजापिता चांडाल बनता है। तो रुक जाओ, ऐसी कोई आत्मा है जो चांडाल नहीं बनती है? नहीं, कोई नहीं। तो फिर तो एक के पीछे क्यों पढ़ना? परसेंटेज में होंगे तो परसेंटेज में क्या पता, जो बोलने वाला है वही ज्यादा हो। सत्य हरे चंद्र को जो दिखाते हैं वो तो प्रजापिता की कहानी है। तो अभी तो कह रहे थे धर्मराज जो बनता है तो प्रजापिता का गायन है चांडाल बनने का, धर्मराज के लिए तो कोई गायन है नहीं। तो अभी तो बताया गया क्या धर्मराज बनता है वो चांडाल भी बनता है? चंडिका चंडिका देवी सभी है एक दूसरे के लिए, जितने भी रुद्रमाला के मणके है वो धर्मराज के दूत है या नहीं है? सारे ही तो धर्मराज के दूत है। और खंडेक में एक पॉइंट आती है, खंडेक में एक पॉइंट आती है, श्रीमत तो एक ही शिव बाबा की है, बाकी सब है असुरी मत देने वाली असुरी संप्रदाय है, असुरी मत देने वाला रावण है, है? और फिर ये भी पॉइंट आती है राम जी रावण बनता है, हाँ। और एक और पॉइंट भी आता है सच को साबित करने के लिए सच ही काफी है, हाँ? सच को साबित करने के लिए हाँ। सच ही काफी है, हाँ? फिर ये सब बातें एक दूसरे को काटी देते हैं। कहाँ काटी है? कौन सी बात? एक बात बता दो, सब बातों को छोड़ दो, एक एक बात उठा लो। हाँ उठाओ, बाकी सब है आ, क्या बाकी सब? श्रीमत तो एक ही शिव बाबा की, श्रीमत वो तो बस सपोर्ट कर रहा है उससे कह लेने दो। हाँ जी बाबा उनका कहना है, हाँ। अच्छा उसका कहना है, ये गुरु जी बोलेंगे। हाँ बाबा उसका कहने का मतलब ये है हमको जिस तक से श्रीमत मिलता है उसी को कह रहे रावण ही रावण बनता है, राम ही रावण बनता है, राम ही रावण बनता है, वो राम रावण नहीं बनता है जो सदैव निराकार है। तो आसुरी मत कैसे करती है? राम की है, राम बनता है रावण, इसलिए वो बड़े से बड़ा देवता भी है, बड़े से बड़ा आसुर भी है। विरोधाभास कहाँ है? बाबा यहाँ श्रीमत देने वाली आत्मा को तुमने नहीं पकड़ा, तुमने देह को पकड़ लिया। तुम श्रीमत देने वाली आत्मा को पकड़ो तो सदैव शिव ज्योति बिंदु बुद्धि में रहेगा। शिव ज्योति बिंदु अलग है और जिसमें प्रवेश करता है वो मुख वाला अलग है।
स्वयं साकार में निराकार को याद करते हैं। हाँ, साकार में निराकार को याद करना ये अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर कनेक्शन जोड़ना है तो साकार में ही निराकार को याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आत्मा को तो याद करना पड़े। श्रीमत देने वाली आत्मा कौन सी है? साकार शरीरधारी वाली आत्मा है या उसमें जो प्रवेश करता है वो है? वो तो भूल जाता है। जन्म जन्मांतर का विरोधाभास है जिसके साथ बस वो ही दुश्मन दिखाई पड़ता है, इसी को पकड़ो। बाकी सब है आसुरी, मानो 500-700 करोड़ जो भी है, एक शिव को छोड़ करके बाकी सब आसुरी देने वाले आसुरी संप्रदाय है, राम से लेकर के और 750 करोड़ वहाँ मनुष्य भी। आसुरी मत देने वाला रावण है। एक वचन में कहा गया, हाँ रावण सर एक वचन में तो कहा गया, लेकिन रावण एक मुख वाला है या 10 मुख वाला है? 10 आत्माएं इकट्ठी होकर के रावण बनती हैं कि एक आत्मा रावण बन जाती है? दोनों बातें कहा गया। हाँ तो दोनों बातें कही गई हैं, सही तो है बाबा। तो फिर ये भी कहा गया है जिस तक ने प्रवेश किया हूँ अगर वो उसका सो ऐसी होती है कि परसेंटेज में होता है, राम और रावण परसेंटेज में होता है, कामी और निष्कामी वो परसेंटेज में कम है औरों के मुकाबले। जब बाप आते हैं, बाप की पहचान होती है तब की बात है, बाप के आने से पहले की बात नहीं है। सच को साबित करने के लिए सच्ची चाहिए ना, बिल्कुल राम से रावण करने की तो राम ही तो रावण बनता है, शिव थोड़ा ही रावण बनता है। कहीं मुरली माया कि शिव रावण बनता है पर रखा? हाँ जरूरी है, सच है, सच ही तो साबित हुआ कि जो राम है साकार राम है वो ही रावण बनता है, निराकार राम थोड़ा ही रावण बनता है, यही तो सच है। सच की साबित नहीं, हाँ साबित हो गया ना, जो ऊंचा उठता है वही नीचे गिरता है, जो नीचे गिरता है वही ऊंचा उठता है, और शिव शिव तो ना ऊंचा उठता है ना नीचे गिरता है, ना ऊंच पद पाता है ना नीच पद पाता है, ना झूठ बोलता है ना सच बोलता है। सच को साबित करने के लिए शिव बाबा की बातें ही साबित कर पाती है सच्चाई को, बाकी कोई साबित नहीं कर सकता। अगर राम वाली आत्मा भी है तो संपूर्ण बन जाएगी, तब ही सच को साबित कर पाएगी, नहीं तो फेल फेल फेल। सारी दुनिया एक तरफ, बाप एक तरफ, हाँ? तो बाबा वो बाप अकेला कैसे है? क्योंकि उसमें शिव है, तुम्हें अकेला दिखाई पड़ता है, साबित कैसे करता है? उसमें शिव है इसलिए अकेला नहीं है, दो आत्माएं हैं बाबा, एक ही शरीर में तीन आत्माएं हैं। तीन आत्माएं, तीसरी आत्मा को तो भूल जाओ, तीसरी आत्मा को याद करने के लिए नहीं बोला, एक ही शरीर है, लेकिन एक ही शरीर में शंकर को याद करने के लिए नहीं बोला, किसको याद करने के लिए बोला? शिव बाबा को याद करो। सब बिंदु ही है ना, मैं होने दो बिंदु, तीन बिंदु में किस बिंदु को याद करना है? ज्योति बिंदु को याद करना है जो सदैव निराकारी है। बिंदु देखने में एक ही जैसे होते हैं, होने दो एक ही जैसी, लेकिन कर्म तो एक जैसे नहीं है, लेकिन देखने के समय याद करने के समय इन आँखों से तो तुम देखते ही नहीं हो, बुद्धि से देखते हो तो तुम बुद्धि से जानते भी हो कि श्रेष्ठ कर्म करने वाली कौन है, शिव बिंदी बस। लेकिन वो तीन बिंदी है, शिव बिंदी कौन सा बिंदी है? जो सबसे श्रेष्ठ होगा वो सदैव ऊपर होगा या नीचे होगा?
ऊपर होगा। और एक भाई का प्रश्न है, एक वार्तालाप में कहा है सारी दुनिया एक जेल है, उसके लिए क्या जेल होने से क्या होता है? है एक वार्तालाप की पॉइंट है, हाँ। भाई ने पूछा है सारी दुनिया एक जेल है, हाँ बताया है, हाँ तो उसमें एक छोटा सा जेल हो जाए, हाँ तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, वहाँ एकांत में रह सकती है और दो दो वक्त की रोटी मिलती है, हाँ तो वो भाई का पूछना है जैसा मन कहते हैं क्या इस दुनिया में रह करके अन्य दोस्त नहीं लगता है? वो अपने हाथ से बन के और बाबा की याद भी बना रहे हैं, बाबा की याद, बाबा की याद तो डबल जेल में भी मिले हो सकती है, तो अपने को बनाने बल्कि वहाँ तो और ज्यादा याद हो सकती है, जब दुख पड़ता है तो ज्यादा याद आती है कि सुखी जी दुनिया में ज्यादा याद आती है, बंधन होते हैं तब ज्यादा याद आती है कि निर्बंधन होते हैं तब ज्यादा याद आती है? और ये वल्ला ही वल्ला माने बाबा वहाँ तो अपने को बनाने नहीं देंगे ना, रोटी तो वो लोग खुद बना के देंगे। होने दो, याद किसकी है? जब हम याद की ताकत से, जब याद की ताकत से सारी दुनिया को परिवर्तन कर सकते हैं, पांच तत्वों को परिवर्तन कर सकते हैं, प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, जिस प्रकृति की बुद्धि में बाप की पहचान बैठती ही नहीं, तो हम भोजन को परिवर्तन नहीं कर सकते। मजबूरी में ही लागू होता है ना? मजबूरी में काहे के लिए? जो मिलिट्री है, रूहानी मिलिट्री, उसको तो ऑर्डर दिया है बाबा ने, तुम कैंटीन में खाओ, बाबा की याद में रहो। जो रूहानी मिलिट्री के वारियर नहीं है उनको नहीं बोला, यहाँ बेहद के रूहानी मिलिट्री के वारियर भी है, लेकिन अपनी ताकत दे करके वारियर बनना, ऐसे नहीं हम भी वारियर है। बाबा वो तो स्कूल जेल की बात हो गई, अच्छा अब आप दूसरा पैंतरा बदलो। ये तो स्कूल जेल की बात हो गई, उनके घर में जिस माहौल में जिस घर में रह रहा है वहाँ भी जेल जैसा वातावरण है, हाँ लोगों के लिए क्या बात? उन्हीं के लिए तो बोला कि वो बाहर की जेल है, वो बाहर की जेल, अंदर की बात जो अंदर वाली छोटी जेल होती है उससे जास्ती बदतर हो सकती है, वहाँ फिर भी नियम कानून कुछ होते हैं अंदर की जेल में, जो घर गृहस्थ में रहने वाले मुखिया हैं जेलर है उनके तो कोई नियम कानून ही नहीं है, वो घर के अंदर कुछ भी करते रहे कोई कुछ कहने वाला नहीं। उसी का पॉइंट तो यही है, याद से ही पवित्र बनेंगे, हाँ जी भोजन से थोड़ी का आयतन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, याद बेहद का भोजन है, तो बेहद में ज्यादा ताकत होती है या हद में ज्यादा ताकत होती है? नियम भी जरूरी है, नियम भी जरूरी है। हाँ तो ये कौन कहा तुम बेनियम हो के चलो, बाबा हॉस्पिटल में जाने के बाद नहाना चाहिए या नहीं है? नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए है? नहाना चाहिए बाबा, ये तो वाली बात हो गई, ये क्या बात देवान वाली बात हो गई? कोई आत्मा अपन को कमजोर समझती है, कन्या का चोला है, कन्या का चोला को संघ का रंग जास्ती लगता है, तो जब हमें मालूम है कि संघ का रंग जास्ती लगता है तो क्यों नहीं अपनी शुद्धि करनी चाहिए, ज्ञान स्नान से भी शुद्धि करनी चाहिए और स्थूल स्नान से भी शुद्धि करनी चाहिए, स्थूल भोजन से भी शुद्धि करनी चाहिए और बेहद याद के भोजन से भी शुद्धि करनी चाहिए। बाबा का पॉइंट है, तुम बच्चों को इन रातों के बीच में बैठ के कुछ भी कहना है, हाँ अभी ये हाल है तो उस समय कैसे करेंगे? हाँ अस्पताल जाने से नहाने पड़ी है, वो उस समय लाश के बीच में, अभी वो जो स्टेज बताई है वो हमारी लास्ट की स्टेज होगी या अभी फर्स्ट की स्टेज है? बाबा ने कहा है लंबा समय का पूछा दादू ने काम है, हाँ तो अभी 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 लंबा समय पूरा हो गया, उस समय तो लंबा पूरा हो जाएगा, प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस की स्टेज को भी देखना है, ऐसा नहीं नशे में आ जाएं और हम पांच मार से नीचे गिर पड़े। बाबा ऐसा कभी अपने को कमजोर भी नहीं समझना चाहिए, और अपने को ऐसा भालक भी नहीं समझना चाहिए
कि हम भगवान के भी ऊपर बन जाएंगे। कमजोर समझेंगे तो और नीचे जाएंगे ना? नहीं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए कमजोर नहीं है। बाबा आज 18 जनवरी ब्रह्मपुर या मौसापुर में आप एक मिलन मना रहे हैं, यहाँ के भी मिलन मना रहे हैं। अरे ये अंधा है, आंखें बंद करके बैठा रहा एक घंटा, इसने मिलन ही नहीं मनाया। जब बाबा दृष्टि दे रहे थे तो दृष्टि से दृष्टि इसकी मिली ही नहीं। भूत आया होगा, भूत क्या पीछे देखें, वो तेरा विरोध होगा। कहते हैं भक्ति करने वालों को रोकना चाहिए। ये विरोध सबका नहीं है, सब जानते हैं कि अभी एक एक के अंदर भक्ति मार्ग भरा हुआ है। एक भी आत्मा अभी ऐसी नहीं है जिसके अंदर भक्ति का पुट न भरा हुआ हो परसेंटेज में, समझा? रुक जाओ, सबके अंदर भक्ति का पुट भरा हुआ है या नहीं? भरा हुआ है। तो बस खत्म बात हो गई। आप किसी के अंदर ज्यादा है किसी के अंदर कम है तो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की कोई दरकार नहीं है। भक्ति है इसका मतलब ये नहीं अपना भक्ति दूसरों को कम कर रहा है। दूसरों कहाँ लगा रहे, अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे बाबा, ये भी उनके अंदर भावना है कि हम खाना खाएंगे तो पहले बाबा को खिलाएंगे, तो वो पहले बाबा को खिला लेते हैं, इससे दूसरों से क्या कनेक्शन है उनका? है गीता पाठ चल रहा था, ऐसा नक्शा बनाओ जैसे कि मिनी मधुबन। हाँ गीता पाठ चल में ऐसे डेकोरेशन करना, तो मिनी मधुबन में माया आती है कि नहीं? गीता पाठ चल में ऐसा डेकोरेशन करना है क्या? मिनी मधुबन में माया आती है या नहीं? पापा अभी जो लोग किए वो सब माया की लिस्ट में है क्या? सब माया की लिस्ट में, अभी एक भी ऐसा नहीं है जो बाप का बन गया हो। अरे बाप की घरवाली ही अभी बाप की नहीं बनी तो तुम कौन सी चीज हो? नक्शा बनाना है, लेकिन मिनी मधुबन में माया आती है या नहीं आती है? माया आती है इसका मतलब वो माया को तब्दील कर दो क्या? माया आ सकती है तो प्रकृति नहीं आ सकती? तो प्रकृति जो है वो ज्यादा होशियार है या माया ज्यादा होशियार है? दोनों होशियार नहीं है, दोनों होशियार नहीं है, एक होशियार है और एक पावरफुल है। माया होशियार ज्यादा है, चालाक ज्यादा है, और प्रकृति पावरफुल ज्यादा है। तो बाबा आप अभी उनके लिए क्या राय देना चाहते हैं? किसके लिए? करने किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना, जो भक्ति करने के लिए मना करते हैं तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, उतारो जनेऊ, वो मुसलमान है, मुसलमान धर्म में जन्म लेना पड़ेगा। जो भावना किसी की भावना को ठोकर मारना ये सुभावना होती है? ठोकर कहाँ मान रहे हैं, हम तो बाबा के सामने रखते हैं, हम थोड़ी उन लोगों को कह रहे हैं। ये बात उठाने की भी दरकार नहीं, सिर्फ कहना है, सिर्फ ये कहना है कि भक्ति के लिए मना नहीं है। बाबा मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पाइंट तो भक्ति पूरी होगी तो उनको ज्ञान मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। बाबा ने ये भी कहा है भक्ति का आशीर्वाद भी रहेगा तो चलिए छोड़ना पड़े। अरे तुम्हें ज्यादा चिंता है कि उन्हें ज्यादा अपनी चिंता है? परिवार के साथ चलना है, कैसी कर रहे बाबा? कौन मना करता है तुम्हें साथ चलने के लिए? परिवार में है तो बोलने का हक तो होगा ना। कौन मना करता है कि न बोलो? बाबा वही तो मैं बोल रहा हूँ। बोलो, लेकिन बोल बोल में भी पाप कर्म बनता है, ऐसा न बोलो जिससे दूसरे को छेद लग जाए। भावना तुम्हारी भावना को कोई ना समझा हो तुम्हें दे दिया शराब तो इसलिए वाचा से भी कोई ऐसा विकर्म नहीं बनने देना, क्योंकि भरी सभा में कोई बातों को उठाना उससे दूसरी आत्मा को ठेस लगती है। जब सेवा में जाते हैं तो ये बात विघ्न बन जाती है। हम यहाँ भी तो सेवा फील्ड में हैं, ये भरी सभा में हम बैठे हुए हैं
और किसी की व्यक्तिगत गलती को उछाल दें तो ये क्या डिस्टर्बेंस नहीं है? अगर किसी ने गलती की तो अकेले में बाबा को बताना है, सबके सामने बड़ी सभा में उस गलती को उछालना, उससे क्या होता है, उससे वो आत्मा कमजोर पड़ेगी। अलर्ट नहीं होते हैं, अलर्ट नहीं होते हैं वो, बाबा को प्यार से, बाबा के द्वारा प्यार से समझाए जाने पर अलर्ट होते हैं, ऐसे तो और तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। बाबा बात करता है तब ना, दूसरा कोई बात करेगा उसको मुरली थोड़ी मानेंगे। बाबा की बात बोल रहा हूँ मैं, अगर बाबा बात करता है तो बाबा की उल्टी बात भी सबको प्यारी लगती है, बाबा डांट टपट करता है वो भी उनको प्यारा लगता है, लेकिन अगर कोई दूसरा अपोजिशन करता है तो उन्हें क्रोध आता है, उनके क्रोध का वाइब्रेशन असर कर जाता है। वो देवान में नहीं है जो व्यक्तिगत गलती को उछाल करके सारी सभा के सामने पेश कर देता है। यहाँ जितने सभा में बैठे हुए हैं उनमें से कौन कौन है, हाथ उठाओ कि लक्ष्मी नारायण के चित्र को उतार के फेंक दिया जाए, हाथ उठाओ, रुक जाओ, हाथ उठाओ, कितने लोग ऐसे हैं? एक भी नहीं है सिवाय तुम्हारे। अरे ये सब इसलिए किया जा रहा है कि अभी हमारी आंखें अभ्यस्त हैं, अभी हमारी आंखें जो हैं इतनी अभ्यस्त नहीं बनी है कि हमारी ना आंखों के सामने बिल्कुल नरक का नजारा सामने आ जाए और हम उसके सामने डटे रहें, अभी अभ्यस्त हैं, धीरे धीरे अभ्यास खत्म होगा। बाबा सामने बैठा है और चित्र की तरफ ध्यान नहीं बोले तो कैसे बाबा? चित्र की तरफ ही जाना चाहिए, आपने बाबा की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो पीछे कर दिया इसलिए, बाबा को आगे कर दिया।